गंडक नदी पर पुल से बदलेगी दियारा की तस्वीर, मुख्य धारा से जुड़ेंगी 60,000 आबादी। मुख्यमंत्री की घोषणा से लोगों ने उत्साह, 4 महीने के लिए मुख्य धारा से कट जाता है क्षेत्र। विधायक ने तैयार कराया डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। कुशीनगर के साथ महाराजगंज को भी मिलेगा फायदा। पीपा पुल हटाने के बाद नाव से नदी पार करते ही लोग प्रभावित होती है खेती और कारोबार। खड्डा तहसील क्षेत्र के भैंसहा में गंडक नदी पर पक्का पुल बनने से दियारा क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। आजादी के बाद से कुशीनगर और महाराजगंज जिले के एक दर्जन गाँव के करीब 60,000 की आबादी मुख्य धारा से जुड़ जाएगी। बुधवार को खड्डा तहसील भवन सहित 451 करोड़ रुपए की 106 विकास परियोजनाओं की सौगात देने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गंडक नदी पर पक्का पुल का वादा किया। इस घोषणा से दियारा के दिन बहुमूल्य की उम्मीद जगी है। गंडक पार सुविधाओं का अभाव झेल रहे लोगों ने मिठाई बांटकर मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर मिठाई बांटकर खुशी जताई। लोगों का कहना है 4 महीने बाढ़ की विभीषिका से जूझने वाले गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधा मिल सकेंगी। खड्डा तहसील क्षेत्र के बहसाह के पास नेपाल से आने वाली गंडक नदी बहती है। नदी के उस पार दियारा क्षेत्र में कुशीनगर जनपद की 4 ग्राम पंचायतों सेपुर, मरछवा, हरिहरपुर और नारायणपुर के 8 टोलों पर 35,000 से अधिक आबादी निवास करती है। इसके सटे ही महाराजगंज जनपद के निचलौल तहसील की सोहगी परवा, शिकारपुर, मटियरवा, शिकारपुर, पेपरासी गांव में 25,000 लोग निवास करते हैं। खड्डा से इन स्थानों की दूरी 16 किलोमीटर है, लेकिन गंडक नदी का दियारा होने की वजह से यहां के लोगों को करीब 45 किलोमीटर की दूरी तय करके वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व होते हुए गांव से आवागमन करना पड़ता है। बरसात के मौसम में 4 महीने तक बाढ़ के पानी से गांव घिर जाते हैं। इससे लोग 4 महीने तक प्रशासन के रहमो करम पर जीवन गुजारते हैं। नदी पार करने के लिए नाव का सहारा रहता है। एक बार में नदी पार करने में दूसरा दिन खत्म हो जाता है। इस समस्या को देखते हुए वर्ष 2019 में भैंसहा घाट पर गंडक नदी पर पीपा पुल वर्ष 2019 में लगाया गया। दिसंबर महीने से लेकर मई तक पीपा पुल रहता है, बरसात में से हटा दिया जाता है। कुशीनगर और महाराजगंज जिले के एक दर्जन गांव की आबादी मुख्य धारा से जुड़ जाएगी। पुल के लिए बांध और ठोकर बनाए जाने से करीब 20,000 एकड़ भूमि पर खेती हो सकेगी। कनेक्टिविटी होने से गांव में स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा मिलेगी। गांव में 8वीं तक स्कूल है, इससे छात्राओं की पढ़ाई नहीं हो पाती है। बाढ़ के कारण गांव के स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर और स्टाफ नहीं है। यहां के लोगों को तो कहां CHC पर आकर उपचार कराना पड़ता है। गन्ने की फसल को खड्डा चीनी मिल तक पहुंचाने, गांव में निर्माण कार्य के लिए गिट्टी और बालू सहित अन्य सामान ले जाने में 3 गुना किराया खर्च करना पड़ता है। 4 महीने गुजारा करने के लिए लोगों को प्रशासन के कम्युनिटी किचन के भरोसे रहना पड़ता है। रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल के अभाव में लोगों की खेतीबाड़ी और परिवहन का काम प्रभावित होता है। बरसात की वजह से नववधुएं 4 महीने तक अपने मायके में रहती हैं। दैनिक क्रिया में लोगों को काफी दिक्कत होती है। पुल बनाए जाने के बाद गांव में बाढ़ का पानी नहीं जाएगा।